इसीलिए बोलता है ना कैलिंग लड़की और भीतर में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या हुआ कि कल स्विमिंग जो हुआ ना, ऐसे स्विमिंग किया कि पूरा बॉडी टैन हो गया, ठीक है, पीछे का मतलब सनबर्न हो गया, पूरा जल रहा है। अभी 8:50 हुआ है, तुम कड़क चाय पी रहे हैं। अभी हल्का सा गर्मी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि उमस फील हो रहा है। देखते हैं क्या होगा, शायद हम कलिम्पोंग जा सकते हैं। कलिम्पोंग जाके 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ जाके भी आ सकते हैं। तो लेट द डे बिगिन। तो अभी ये ब्रेकफास्ट आया, रोटी है, सब्जी है, अंडा, एप्पल स्लाइसेस, इसके बाद मिठाई भी है। तो अभी ले रहे, अभी जैसे देख रहे हो वेदर एकदम परफेक्ट है, उतना सनी भी नहीं है, उतना वो भी नहीं है, बहुत ग्लूमी है आज का डे। तो अभी हम एक जगह रुके हैं, कैलिम्पोंग जा रहे थे तो बारिश आ गई। अभी एक रेस्टोरेंट में रुकने वाले हैं, कोई ऑप्शन नहीं है और बारिश बेकार कर दिया हम लोग का प्लान। बारिश में चौपट कर दिया ना, सुबह तो धूप आया था, एकदम खड़ा वाला धूप था सुबह। अचानक से वेदर चेंज हो गया, इसीलिए बोलता है ना कैलिम्पोंग का लड़की और वेदर में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी कुछ भी हो सकता है। हमने ऑर्डर किया था चिकन फाले, अंदर तो खाना ही है, और ये सूप भी ऑर्डर किया था, मतलब ऑर्डर नहीं आ गया ये। थोड़ा सा अचार डालेंगे, ठीक है, इसके बाद शुरू करेंगे। चाय भी मंगाया, एकदम चिल है वेदर। चिकन फाले चिकन सूप चिकन मोमो थैंक यू। तो अभी प्लान ये है कि हम वापस जा रहे हैं नीचे, पानी तो हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रहा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मोटो ब्लॉग करने वाले हैं, इसके लिए मैं सेटअप करा रहा हूँ। सेटअप होगा यहाँ है, अरे यार निकल जा। हाँ अभी ये सेटअप है और फ़ोन से ही कर दूँगा मोटो ब्लॉग वैसे। तो अभी वेदर एकदम बढ़िया है, पानी बूंदाबांदी मतलब थोड़ा कम हो चुका है और हम नीचे जा रहे हैं अभी वापस, क्योंकि कोई ऊपर जाने का मतलब नहीं रहा, क्योंकि अगर और बारिश आएगा तो रेनकोट नहीं है अपने पास। भाई साहब क्या वेदर है, ऐसे वेदर में तो मतलब चाय आराम से पकोड़े वकोड़े लेके ना बैठ जाओ घर पे, फालतू में निकल रहा है बाहर, बस चिल हो रही थी। ऐसे वाला हो रहा है अभी फील। कोई नहीं, अपन स्लो स्लो जाएंगे नीचे। अभी जैसे नीचे आ रहे वैसे दिख रहा है कि वेदर मतलब अच्छा हो रहा है, बूंदाबांदी कम हो रही है। पता नहीं यार ऊपर कैसा होगा या नीचे कैसा होगा, वापस कैसा होगा। तो अभी अपना प्लान ये किया है, वापस जाएंगे, अच्छे से खाएंगे खाना वाना, उसके बाद सोएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि कल जो भाई साहब जो मतलब हम स्विमिंग पूल में हमने मज़े किए थे कि इतना धूप में हम मतलब स्विमिंग कर रहे थे, मतलब हमको पता नहीं चला कि हम सन टैंड हो गए, मतलब पूरा लाल लाल सब आज सबका स्पेशली प्रेजल का
खोबरा देखने लायक था भाई साहब, इसका पूरा लाल लाल हो चुका है सबका सब। ये जो टर्निंग है इसको बोलते हैं भाई साहब टर्निंग, पूरा पत्थर खोद के बनाया है। अरे यार अपन को जल्दी नहीं है, अगर ये ट्रक ना व्यू ब्लॉक कर रहा है ऐसे ही नहीं बोल सकते, ओवरटेक भी नहीं कर सकते यहाँ से। हाँ अरे चाचा छोड़ भी दो, छोड़ दो छोड़ दो, इससे आगे नहीं जा सकते अपन। ए जा सकते, अरे वाह ओहो मजे आ गए यार, अभी दिन उभर रहा है, अच्छा हो रहा है दिन। अपन ने नीचे आके गलती तो नहीं कर दी, अभी ये सोचने लगा हूँ मैं जब हम इस मोड़ पे आए थे ना तभी से बारिश शुरू हो गई थी, अभी तो उतना ज़्यादा बारिश नहीं है यार, अभी लग रहा है कि थोड़ा गलती कर दिया अपन ने। ठीक है चाचा चलो आप। अरे यार ये तो, अरे बाप रे भाई साहब ऊपर से कैसे ये घूम के आए अपन, भाई साहब आगे देखो सबके सब रेनकोट वेनकोट जा रहे हैं, अपन एकदम चिल रहे हैं, कुछ भी नहीं है अपने पास। ओहो पानी पानी, ओहो इनको इनको आगे जाना है ट्रक वाले को, कोई नहीं अपन थोड़ा तेज चला लेंगे तो हम आगे चले जाएंगे, तो आप भी आगे रहोगे ना पीछे चाचा। ओहो ये टोली यहाँ पे रुका है कलिम्पोंग से, शायद कलिम्पोंग से आया हो इसीलिए मुझे इससे अच्छा धूल ही लगता है। अच्छा क्या लगता है, अरे यार बीच रास्ते में खराब हो गई ये ट्रक। ओए 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 ये तो ब्रिज है भाई साहब, यहाँ से मस्त दिखता है तिस्ता, यहाँ तो फोटोशूट तो होना ही है, फोटोशूट होना ही है चाचा। भाई साहब तिस्ता, अरे बाप रे वाइब्रेट हो रहा है, अरे हिल रहा है पूरा ब्रिज। अपन को यहाँ से वहाँ होते हुए उस रास्ते यहाँ से इस तरफ निकलना है, ये तिस्ता बाजार है और वहाँ पे इसको नया ब्रिज बोला जाता है और वहाँ पे पुराना ब्रिज बोला जाता है, और यहाँ से ऊपर होते हुए बड़ा मंगवा जाना है ऊपर। अरे भाई साहब वो तो अभी भी गिरा हुआ है कोहरे में, कोई नहीं आज का दिन ऐसा ही चल रहा है, अभी थोड़ी देर बाद फिर से बारिश आने का आशंका है तो अभी धूप निकल चुका है और हमने यहाँ ब्रिज पे थोड़ा थंबनेल मोमेंट क्लिक किया और थोड़ा रिफ्रेश किया, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं यहाँ पे टिस्टा वाला, ये जो छोटा मोटा मार्केट है यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें मिलता है। अरे भाई साहब यहाँ पे छुट्टी मिल रहा है, दिस इज द वेदर वी वर सर्चिंग फॉर, दिस इज द परफेक्ट वेदर आफ्टर रेन and just a little sunshine. Oh ho ho, and the weather is also under control aur dhoop bhi nahi hai zyada aur dhool bhi nahi hai, pehle jab aa rahe the upar to dhool bahut tha, abhi matlab barish se halka kam ho gaya, uske baad turn le raha hai. Oh ho ho, let's go Tista bazaar. 29 mile mein pata nahi kaisa hoga na bhai, bol do baad aaye bhukamp aa jaye jana hi padega ha कल तुम बोल नहीं सकते रीजन, अगर आप यहाँ टिस्टा से हो तो स्कूटी कहाँ मिलता है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नीचे, स्कूटी कहाँ मिलेगा, जैसे होता ना वो मतलब पान वाला जो होता ना भाई साहब यहाँ से कहाँ पड़ेगा, अरे यहाँ से लेफ्ट लो उसके बाद सीधा जाके चौराहे से राइट, उसके बाद सीधा जाके पहला जो मंदिर का घंटी है वो बजा के मैं बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं ऐसा ही होगा। भाई साहब आ गए आप यहाँ से ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर है हमारा
बड़ा मंगवा का रास्ता, अभी थोड़ी देर यहीं पर रुकेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, बस बस बस। अच्छा आइसक्रीम खा को कि क्रीम रोल खा को ओ प्रजल? क्रीम रोल सफ्ट ना सफ्ट क्रीम रोल एकदम नहीं था क्रीम रोल दामी रहे प्रजल दामी। तो अभी हम ऊपर वापस होम स्टे जा रहे हैं। यहाँ का मतलब अभी तो सिचुएशन ये वेदर देख के लग रहा है कि सब कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पे। अरे यार बारिश तो मतलब नाम निशान नहीं था। ये क्या है ये? हाँ ये वो है तुम्हारा भ्रम है, भ्रम तो तुम भ्रम पाल के रखते हो ना। लंच हो रहा है, दाल चावल, ये आलू भाजा है और ये बीन्स और ये भी आलू है और थोड़ा सैलेड, बस इतना ही। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या है? क्या है? स्मोक्ड। ओह से ही पकेगा ये सब। ओह बहुत सारा। चलो चलते हैं। तो देर बाद मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग को। सुबह का 9 बज रहा है अभी, तो अभी हम रेडी शेडी होके निकल रहे हैं यहाँ से। और ये यहाँ हमारा स्टे था ऊपर दूसरा वाला रूम, मज़ा आया, दो दिन मज़े किए अपने। तो अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद सीधा ऑन द गो। ब्रूनो ब्रूनो ला चलता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग बहुत फंस रहे क्योंकि दो ग्रुप एक साथ आ गए। तो अभी आंटी अंकल को बाय बोलने जा रहे हैं, बहुत अच्छा फोन था। और यहाँ का पैकेज सिस्टम वो बता देंगे अभी, थोड़ा बस ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। पैकेज क्या है? और हमारा पैकेज में तो 1500 है। अच्छा, तो ज्यादा पर्सन होने से थोड़ा कम होगा। अच्छा, तो ग्रुप में ट्रैवल करेंगे तो फायदे भी रहोगे। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा फोन नंबर है। हाँ हाँ, फोन नंबर ठीक है, मैं डाल सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप भी आ सकते हो, दार्जिलिंग दोस्तों यहाँ पे आ सकते हो आप। और जैसे हमने गुजारे ये दो दिन बहुत मजे से, आप वहाँ भी ऐसे गुजार सकते हो। तो खदा के साथ फेयरवेल किया है इस जेस्टर की वेलकम करते हुए और ये फेयरवेल देते हुए। खदा एक जेस्टर है टुवर्ड्स रेस्पेक्ट लव, तो ये इंडिकेट करता है। तो अभी के लिए तो मज़ा आया, अब जा रहे हैं वापस बैक टू सिलीगुड़ी। Here we go. जाम लगा हुआ पूरा, और उस तरफ भी इस तरफ भी, और एम्बुलेंस आ रहा है पीछे साइड, तो अभी वो तो नहीं हो पाया।
So I think that's it. Thank you for being in that amazing adventure with us. Thank you for watching. Until next time, Dab Supti, back to this sunny day.